दोस्तों अभी कोविड शुरू है तो आप में से कई लोग सोचते होंगे कि घर पे हम क्या बनाएं। तो सबसे आसान तरीका है बनाने का, एक तो मैगी जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, और दूसरा है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंच फ्राइज ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स के बिना आते हैं। कहा जाता है कि प्रिजर्वेटिव्स के बिना है, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते ही हैं। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू एनी अदर फूड, दैट इज़ अ बेस्ट एपोकैलिप्टिक फूड दैट यू कैन हैव इन योर होम, और जो कि आप अपने फ्रीजर में रख सकते हो। कितना ही बड़ी आपदा आ जाए, वो हमेशा आप फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो। तो आइए आज देखते हैं कि हम फ्रेंच फ्राइज कैसे बना सकते हैं। मैंने ये मैकेन्स के फ्रेंच फ्राइज लिए हैं, मैंने अभी अभी इसे फ्रीजर से निकाला है। लेट मी टेल यू एन इनोवेटिव टेक्निक ऑफ कुकिंग इट। कई सारे लोग आपको बताएंगे कि देखिए इसे तलना पड़ेगा, तलने वाला टेक्निक तो आप भी जानते हो कैसे तलते हैं, लेकिन मैं वो वाला टेक्निक आपको नहीं बताने वाला। फिर एक दूसरा टेक्निक, कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा एक एयर फ्रायर लीजिए और इसी में आप इसे एयर फ्राई कीजिए। तो डेफिनेटली अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट हेल्दीएस्ट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि इसे पहले आप प्री हीट कीजिए थोड़ा देर, ये गर्म हो जाए उसके बाद में इसे डालिएगा। थोड़ा हार्डली 5 मिनट्स के लिए रखिए और टेम्परेचर हमेशा 200 के ऊपर यानी मैक्सिमम के ऊपर रखिए। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन ये मिट गया है एक्चुअली ड्यू टू क्लीनिंग, लेकिन यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने लगा दिया है। और इसे हम 5 मिनट्स के लिए रखेंगे, फिर इसे निकालिए, फिर थोड़ा सा हिला लीजिए उसे, फिर से 5 मिनट के लिए रखिए। यू कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस जब तक आपको वो फ्रेंच फ्राइज थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना दिखे, ठीक है। एंड व्हेन दे टर्न गोल्डन ब्राउन तो वो है एंड उसका, उसके बाद में उसे और फ्राई मत कीजिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, बट दिस इज स्टिल द सेकंड बेस्ट वे ऑफ कुकिंग इट। द बेस्ट वे ऑफ कुकिंग इट इज एक्चुअली रोस्टिंग इट, और यही स्ट्रेटजी हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डायरेक्टली आउट ऑफ द फ्रीजर है, इसे मैं सीधे सीधे अपने एक किसी भी जालीदार वेसल में आप ले लीजिए, ओके इतना काफ़ी है। और तुरंत ये जो बचा हुआ है इसे आपको सील करना होगा तुरंत, इसे ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना। और कैसे सील करते हैं, इसमें एयर नहीं लगनी चाहिए, तो आपको एक ऐसे करना है और इसे आप लेते जाइए टिल द बॉटम। तो आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है। इस तरीके से आपको इसे सील करना है और इसे दोबारा फ्रीज़र में तुरंत रख देना है, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ओके राइट देयर इन द फ्रीज़र, बाहर नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। तो देखिए ये आपको क्या करना है, आई जस्ट टेल यू व्हाट, आपको इसे सिर्फ शुरू करना है। सबसे बड़ा वाला बर्नर आपको लेना है, एज आई टोल्ड यू मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती और हवा भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो लग नहीं रहा है। सो ये जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसे लगा दिया, हाँ जलेगा, इट इज़ ओके, कीप शेकिंग इट लाइक दिस एंड लेट्स स्टार्ट। डोंट वेरी, ये जलना ही चाहिए और जितना वो गीला होगा उतना ज़्यादा वो जलेगा, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, ये जलना चाहिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। और इसका पूरा जो पानी होगा वो नीचे गिरेगा, अब तो इसके टुकड़े टुकड़े भी नीचे गिरेंगे तो आपका गैस काफ़ी गंदा होगा, बट डोंट वरी, दिस इज़ हाउ इट इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द ईजिएस्ट एंड द हेल्दीएस्ट वे ऑफ कुकिंग इट। और इसका जितना भी ऑयल है ना, ये एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सारा का सारा ऑयल इसके थ्रू चला जाएगा या फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये ऑयल आप नॉर्मली खा लेते, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर नॉट टू ईट दैट ऑयल। इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूँ, ये कुछ ज़्यादा ही साथ में आ चुके हैं। ओके तो ये काफ़ी हद तक सेपरेट हो गए। इन्हें हाई फ्लेम के ऊपर आप सिर्फ ऐसे घुमाते चाहिए, ऑटोमेटिकली ये सेपरेट हो जाएंगे। देखिए अब सेपरेट हो चुके हैं सारे। इसके अंदर का जो फ्रॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही निकलेगा वैसे ये ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे। बस शेक आपको बहुत विग्रसली करना है, बिल्कुल एक जगह पे रखना नहीं है, नहीं तो जल जाएंगे।
और ऑफ कोर्स आपकी जो जाली है वो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, मेरी केनस्टार की है तो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, नहीं तो ये आग में जल सकती है और इसका वो मटेरियल भी निकल सकता है। तो मेरा बहुत अच्छे क्वालिटी का है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ये काफ़ी गंदा हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है, कीप डूइंग इट। एक हाथ अगर थक जाए तो दूसरे हाथ से करना शुरू कर सकते हो। और ऑलवेज ये इलेक्ट्रिक चिमनी देखिए, आप थोड़ा सा जूम आउट करके अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चिमनी का बहुत फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर पे एक और मैं टिप दे दूँ आपको, ये चिमनी अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये काफ़ी हो गए। जस्ट एकदम लास्ट बिट, बस दैट्स इट। अब जो जला था वो एक्चुअली ऑयल होता है, इसके ऊपर जो पाम ऑयल होता है वो जलता है, ठीक है। सो दिस इज डन, वी आर डन विद इट। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, थाली में रखिएगा इस तरीके से, और इसमें इसे डाल दीजिए ताकि और भी थोड़ा ऑलिव ऑयल होगा तो निकल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इसमें थोड़ा भी ऑलिव ऑयल अब बचा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी जल कर या इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया है। एक तो जल गया होगा इस तरीके से, ऑयल जल गया, या फिर वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया। बहुत ही कम आपको ऑयल टिश्यू पेपर पर मिलेगा, ठीक है। अब इस टिश्यू पेपर को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं। देखिए, दिस इज़ मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑयल, इससे कम तो मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। इसे आप सॉस के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, ये सिंपल वाले फ्रेंच फ्राइज़ है। अगर सीजन्ड फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, यानी अगर इसमें कोई यानी ये होगा गार्निशिंग होगा तो वो निकल जाएगा, सारा मसाला निकल जाएगा, तो मसाला आपको ऊपर से और डालना पड़ेगा। बेटर है, मैं तो कहता हूँ इस तरीके से, कोई भी जो मसाले नॉर्मली आपके यहाँ होते हैं, ये धनिया पाउडर है, वैसे ही जीरा पाउडर होगा, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स होंगे, वो घर पे ही आप डाल सकते हो और ये बहुत अच्छी एक डिश बन सकती है दोस्तों। सिर्फ एक बात ये है कि ये इसके ऊपर का जो सीजनिंग है वो तो पूरा निकल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, लेकिन जो टेस्ट आती है भाई, टेस्ट इज़ अल्टीमेट। इसे अगर आप देखेंगे तो इसका हर एक बाइट जो है, इसमें आपको बहुत सारा जला हुआ कुछ मटीरियल दिख रहा है। ये क्या है जला हुआ? तो दिस इज़ बेसिकली कार्बन। ये जो भी आपका ऑयल है वो जल चुका है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जल चुके हैं, और ये देते हैं स्मोक्ड टेस्ट। आप देखेंगे अगर मीट खाने वाले लोग भी, मैं तो नहीं खाता लेकिन जो लोग खाते होंगे वो भी स्मोक्ड मीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्राइड मीट। क्यों? क्योंकि उसमें ये स्मोक्ड पार्टिकल्स बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। वेजिटेरियंस मेरे जैसे जो है वो नॉर्मली एग प्लांट जो खाते हैं, यानी ये जो बैंगन जो खाते हैं, तो बैंगन को भी बैंगन का भरता बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू वो वाली सब्ज़ी जो तल के बनती है। तो तलने से ऑलवेज़ बेटर होता है कि आप रोस्ट कीजिए, तो एक टेस्ट, एक फ्लेवर, एक बहुत अच्छा स्मोक्ड टेस्ट आता है उसमें। सो दिस वाज़ द टिप फॉर टुडे। इसे आप सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर किसी भी अन्य तरीके से, जैसे भी आप ठीक समझे, लेकिन मेरा कहना ये था कि कम से कम ऑयल में अगर आपको खाना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ कुकिंग इट। अब मैं आपको थोड़ा सा चिमनी दिखा देता हूँ टिश्यू पेपर सहित। एक टिश्यू पेपर लिया मैंने और अब इस चिमनी को मैंने बंद किया। अब देखिए, इस चिमनी में प्रेसिपिटेट जो जमा हुआ है हम इसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेट आप देखेंगे तो आपको ये वाला तेल जैसे के वैसा बिल्कुल क्लियर फॉर्म में आपको दिखेगा। ये तेल है, ये तेल इवेपोरेट हो गया और ऊपर चला गया, समझे आप? तो ये तेल आप खा लेते अगर आप इस तरीके से स्मोक करके ना खाते तो, अगर इसे तल के करते आप, तो भले आप कितना ही इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा लीजिए, तेल आप डेफिनेटली खाओगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्मोक थिंग्स सो दैट ऑल द ऑयल ईदर गेट्स इवेपोरेटेड और इट गेट्स बर्न्ड एंड फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ ब्लैक पार्टिकल्स, है ना। तो ये दिस इज़ अ हेल्दियर वे, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट प्लीज़ गो अहेड। ये देखिए, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ तेल है इसमें, इससे ज़्यादा तेल आपको नहीं मिलेगा और ये बिल्कुल ही मिनिमल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर यानी टेक्निक ऑफ कुकिंग। आप
फ्राई कर दीजिए, इससे ज़्यादा तेल आएगा। आप एयर फ्राई कीजिए, थोड़ा कम आएगा लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तेल इसमें रहेगा। सो दिस वॉज द टिप फॉर टुडे। ऐसे ही और टिप्स जानने के लिए देखते रहिए अमित शिरासा और मेरा चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स टू माई डैड फॉर फिल्मिंग इट विथ मी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। विश करता हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी। ओके, सी यू।